विधान पार्षद देवेशचंद ठाकुर महुआ के जवाहर चौक स्थित भी सेलिब्रेशन विवाह भवन में स्नातक मतदाता मिलन समारोह में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने स्नातक मतदाताओं से मुलाकात की और मतदाताओं से विधान परिषद के चुनाव में बढ़ चढ़ कर वोट करने की अपील की। वहीं उन्होंने बिहार को लेकर कई बात कही है। मैंने कहा भाई मैं 65-66 साल का था, मुझे कोई शौक नहीं है पीछे 18 साल में जाने का। और मैंने सुनाया उनको, मुझे कुछ याद आ गया उस समय कि साहब एक न्यायालय में एक जज साहब में कहां फैक्ट्री है, ऐसा मुजफ्फरपुर में है, कहां फैक्ट्री हमारे सीतामढ़ी में है। पूरे बिहार में अगर गिनिएगा 38 जिला 40 जिला है तो 40 फैक्ट्री नहीं है इस राज्य में। और कोई ये हमारे सरकार की अभी की सरकार की दोष नहीं है, लेकिन हमारी सरकार भी 15 साल से है, हमको भी ये करना चाहिए था, मैं मानता हूं। लेकिन आप चले जाइए महाराष्ट्र, आप चले जाइए गुजरात, यहां 40 फैक्ट्री नहीं है 40 जिले मिला के, और वहां 400-400 1-1 हजार फैक्ट्रियां हैं। सब लोग रोजगार नहीं ढूंढते हैं, सब अपना काम कर लेते हैं। फैक्ट्री के बगल में कोई जाके लॉन्ड्री खोल लेता है, कोई जाके अपना किराना का दुकान खोल लेता है, कोई जनरल स्टोर का दुकान खोल लेता है, कोई दवाई की दुकान खोल लेता है, और उसकी चलती है, अच्छी तरह से चलती है। उदाहरण मैं बता रहा हूं, एक सरकारी फैक्ट्री है ना, आप चले जाइए बरौनी जाके देख लीजिए, पूरी जिला उस पर बसी हुई है। तो कहां हमारे यहां फैक्ट्री खुलता है, नहीं खुलता है तो कौन से सरकार को आप सजा देते हैं, बताइए कौन दोषी है? आप नहीं देते हैं। यहां पर बिहार में दो फैक्ट्री चल रही है, दो और एक हमारे जिला में है, वो आधा है, तीन मान लीजिए, तीन चल रही है, 18 से 3 आ गया। 27% जो गन्ने का उत्पादन था, आज बिहार कितना उत्पादन कर रहा है बताइए, कोई गेस कर सकते हैं तो बताइए, अंदाज लगा सकते हैं तो बता दीजिए। 27% था 47 में, आज 2% गन्ना बिहार उत्पन्न कर रहा है, 2%, जबकि बिहार की जमीन महाराष्ट्र से ज्यादा उपजाऊ है गन्ना के लिए, 2% हम कर रहे हैं 73 साल में, ये हमारा विकास है। कौन दोषी है उसके लिए, कौन सरकार बनाता है? जो मंच पर रहते हैं या मंत्रिमंडल में रहते हैं वो सरकार नहीं बनाते हैं, सरकार आप बनाते हैं, आप जिसको वोट देते हैं उसी की सरकार बनती है। कौन दोषी है बताइए, मेरा सवाल है आपसे, आप सब प्रबुद्ध मतदाता है यहाँ पर, कौन दोषी है आपको बताइए। ये परिस्थिति है, ये तो मैं सिर्फ गन्ने की बात कहा, महाराष्ट्र में 250 चीनी मिल चल रही, 250 आपके यहां 2 चल रही, जमीन आपका ज्यादा उपजाऊ। अकेले अहमदनगर जिला जहां शिरडी साईं बाबा का मंदिर है वहां 17 फैक्ट्रियां हैं, और वहां का गन्ना देखिएगा तो आपके यहाँ के 5 से ज्यादा मोटा है, यहाँ पेंसिल नुमा गन्ना हम लोग देखते हैं तो देख के आश्चर्य करते हैं, क्योंकि वहां लोग मांगते हैं कि बताइए आपने क्या किया है, नेताजी जरा दिखाइए क्या आप काम करके आए हैं, जात नहीं खोजते वहां पर। कोई शिक्षण इंस्टीट्यूट खोले हो पूरे एजुकेशन में, और आप मेरे साथ चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। डीवाई पाटिल साहब यहाँ गवर्नर थे, 150 संस्थाएं उनकी, और एक एक संस्था ऐसे हैं कोई भी 5-स्टार होटल से कम नहीं है, संजय जी आप जानते हैं अच्छी तरह से, 5-स्टार होटल से कोई कम नहीं है। 50,000 नौकर मतलब मुलाजिम है उनके, जो उनके अंडर में काम कर रहे हैं उन शिक्षण संस्थानों में, 2-2 लाख 3-3 लाख बच्चे वहां इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं, लॉ कर रहे हैं, फार्मेसी कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं सब चीज वहां कर रहे हैं। है क्या आपके यहाँ वो व्यवस्था, कोई है किसी ने किया है? नहीं किया है तो आपने किसी को मजबूर किया है? किसी ने पूछा है कि तुम क्या किए हो समाज के लिए? कुछ भी नहीं करे तो भी हम अंत में जाए दही पूछो हित जात है। इसका तोल हम कर सकते हैं और करते बड़ा दुख के साथ करते हैं, सब ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। तो सवाल है नेता से, जब आप डिमांड ही नहीं कीजिएगा कोई चीज तो नेता क्या देगा आपको? समाजवादी लोग बैठे हुए हैं, समाजवाद के नाम पर पूंजीवाद, समाजवाद से पूंजीवाद पहुंच जाइए, तो समाजवादी लोग बैठे हुए हैं बस सरकारी पैसा को लेके घूस बांटते बैठो जनता के बीच में और वोट लेते रहो, ये बांटो वो बांटो, ये आरक्षण वो आरक्षण, ये करो वो करो। अरे संविधान अपना काम कर रहा है, बहुत अच्छा है, उसमें संविधान का बहुत सम्मान है, लेकिन अदरवाइज डेवलपमेंट क्यों नहीं कराते हो भाई? फैक्ट्रियां क्यों नहीं लगवा रहे हो बिहार, बड़े बड़े फैक्ट्रियां क्यों नहीं लगवा रहे हो कि आदमी स्वरोजगार कर सके, स्वरोजगार कुछ कर सके? आज इतने कोचिंग इंस्टीट्यूट क्यों खोल रहे हैं अगर हमारी शिक्षा की हालत बहुत अच्छी है तो? क्या हालत है शिक्षा की हमसे ज्यादा कोई बात कर सकता है? मैंने हाउस में कहा हुआ है, आदरणीय पीके शाही जी मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, हमने उनसे कहा जो भाषण दे रहे थे वो, ये सब शिक्षा मंत्री थे उस समय भाषण दे रहे थे कि हमारी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाई,
क्या क्रांति लाई है? स्कूलों में पहले 15 लाख बच्चियां जाती थी, हमारे सरकार आने के बाद उसकी संख्या 75 लाख हो गई। मैंने सभापति महोदय से अनुमति लेकर, और उस समय मैं जेडीयू में था, वो जेडीयू के मंत्री थे, मैंने सभापति महोदय से अनुमति लेकर मैंने कहा सर मेरी आपत्ति है, मुझे कुछ कहना है माननीय मंत्री को। और मैंने माननीय मंत्री को पूछा, माननीय मंत्री जी 15 लाख जब बच्चियां थी स्कूलों में, आप कह रहे हैं क्रांति ले आए, आज 75 लाख बच्चियां हैं, मुझे ये बताइए कि जब 15 लाख बच्चियां थी उस समय कितने शिक्षक थे बिहार में, और जब 75 लाख हो गए तो कितने शिक्षक बढ़े, जरा मुझे ये बताइए। मंत्री जी के पास जवाब नहीं था। तो जब शिक्षक बढ़े ही नहीं तो शिक्षा को कहां ग्रहण किया बच्चों? ठीक है पोशाक पहनकर साइकिल चला के बेचारी आ गई स्कूल में, बट क्या पढ़ाई किया? व्हाट अबाउट देयर एजुकेशन? क्या पढ़ाया आपने उसको? क्या पढ़ाया? हालत यह है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के लिए 10+2 का पूरा सब्जेक्ट आपने बिल्डिंग बना दिए, बड़ा गुलाबी चमकता हुआ बिल्डिंग बना दिया। एक भी टीचर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के अगर औसत निकालिएगा तो प्रत्येक स्कूल में एक टीचर होगा, जहां जरूरत है 10-10 टीचर। आज की भी परिस्थिति वही है, लेकिन किसी को इसकी चिंता नहीं है। कोई आदमी जाता है स्कूल में ये पूछने की, साहब मेरे बच्चे का प्रोग्रेस रिपोर्ट ठीक नहीं है, क्यों नहीं ये बच्चा मेरा सीख रहा है? अगर कोई जाता है स्कूल में झगड़ा करने, इसलिए जाता है कि मेरे बच्चे का पोशाक राशि आपने नहीं दिया, मेरे बच्चे का साइकिल का राशि आपने नहीं दिया, मेरे बच्चे का फल्ला नहीं दिया, लेकिन शिक्षा में क्या सुधार किया मेरे बच्चे को कोई पूछता है क्या? तो फिर कैसे बचे? कैसे? कोई प्रदेश और देश जब तक शिक्षा नहीं सुधरेगा नहीं सुधर सकता, ये मैं मानता हूं। अच्छे शिक्षक रखिए, अच्छे शिक्षकों को अच्छा सम्मान दीजिए, उनको इस चिंता से मुक्त कीजिए कि हाँ साहब मेरे बच्चे को हम क्या करेंगे क्या करेंगे। निश्चित रूप से मैं इसके पक्ष में हूं और हमेशा आवाज उठाऊं, लेकिन हमारे राज्य में वो नहीं हो रहा है। और नहीं हो रहा है इसलिए कि मुझे आप में से बता दीजिए कौन है जो कभी बोलता हो किसी विधायक को या नेता को आता हो बड़ा मुख्यमंत्री बने इधर उधर बोलता हो कि साहब बाकी सब छोड़िए ये बताइए ना जरा शिक्षा के लिए आपने क्या किया है, आपके मैनिफेस्टो में क्या है शिक्षा के लिए? हम लोग सब स्नातक यहाँ बैठे हुए हैं, मैं स्नातकों का प्रतिनिधित्व करता हूँ विधान परिषद में, कोई भी पूछता है? आप में से किसी ने पूछा है आज तक? नो वन। इसलिए इस बात की जो अहमियत है इस चीज की वो समझिए, जब तक आपका बच्चा पढ़ेगा नहीं, और इसके फर्क किसको पड़ता है? आपको पड़ता है। नेता तो अपना मौज मस्ती करता है वहां बैठ के, चार गाड़ी में निकल जाता है जैसे संभव हो कह रहे थे, क्या दिक्कत है उनको, क्या दिक्कत है? लेकिन फर्क पड़ता है आपको हमको, जिसके बच्चे शिक्षित नहीं हो रहे हैं, बढ़ नहीं रहे शिक्षा पाके, और कल होके जो जो व्यवस्था है हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज में और जो पढ़ाई है, हम तो समझते हैं अगर वित्त रहित संस्था नहीं रहते तो हम समझते हैं 10 लाख 20 लाख 50 लाख करोड़ों बच्चे हर साल परीक्षा भी नहीं दे पाते, कम से कम इतना तो व्यवस्था चल रहा है उनका। लेकिन ये वित्त रहित संस्था तो हम देखते हैं सरकारी कॉलेज से ज्यादा अच्छा है, इनके कॉलेज में चले आइए, हमारे क्षेत्र में मुजफ्फरपुर में चले आइए, मीनापुर में, हमारे बिलसन में चलिए, शिवहर में चलिए, आपको दिखाते हैं कितनी अच्छी तरह से वो लोग वित्त रहित संस्था चला रहे हैं। तो वो नहीं करते हैं और हम उनको कुछ सजा देते नहीं, हम उनको बोलते भी नहीं कि आप नहीं कर रहे हैं, और फिर हम चर्चा करते हैं कि बिहार में विकास नहीं हो रहा है। विकास डायरेक्टली रिलेटेड है शिक्षा से। एक समय आएगा, और मैं बहुत कष्ट के साथ ये कह रहा हूं, अभी मैं पिछले साल गया हुआ था।